दूसरा एनिमल है ना, तो एनिमल मैंने एनिमल मतलब एक एक पशु है, संस्कृत में भी कहा गया है ना, तो पशु को जो मैन बनाती है, मनुष्य बनाती है, वो शिक्षा ही बनाती है, समाज और शिक्षा, तो शिक्षा के बगैर तो मनुष्य दर पशु कहा गया है, तो शिक्षा तो सब कुछ है, शिक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करती है, शिक्षा से व्यक्ति में विनम्रता आती है, शिक्षा से वो संस्कारवान बनता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर काकोरी, और काकोरी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है, बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज, और यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजकुमार सर, और सर से आज हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे इस स्कूल के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा का सब मतलब चीज़ें रहती हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग सर से आज कुछ बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार, ठीक है। और सर जैसे ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आजकल शिक्षा में खाली क्लास शिक्षण से कार्य नहीं चलता है, बच्चे का सभी क्षेत्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जी, तो यहाँ के बच्चे खेल में भी आगे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आगे हैं, और आज देखिए स्काउट की टीम गई हुई है हमारी हुसैनाबाद, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, कल 19 दिसंबर को शहीद स्मारक पर कार्यक्रम है, तो हमारा विद्यालय उसमें नोडल सेंटर बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे विद्यालय के बच्चे सभी प्रकार के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि मतलब जैसे सर यहाँ पर आप प्रिंसिपल हैं, तो कितने टाइम से प्रिंसिपल हैं? 5 साल होने को है। 5 साल से, तो यहाँ पे प्रिंसिपल होने से पहले सर आप कहीं और पढ़ाते थे? यहीं मैं यहीं पर 2002 से इंग्लिश प्रवक्ता पद पर हूँ, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। अच्छा अच्छा, मतलब 2000 से? हाँ 2002। करीब करीब आपको यहाँ इस स्कूल में 20 साल कम्प्लीट हो गए। अच्छा अच्छा, और जैसे सर यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 20 साल से आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर जैसे जब आप सर प्रिंसिपल बने, तो यहाँ पर सीनियरिटी के हिसाब से प्रिंसिपल होते हैं या फिर आयोग की तरफ से? नहीं नहीं, दोनों सिस्टम लागू है। एक्चुअली क्या है कि आयोग तुरंत नियुक्ति तो नहीं कर पाता है, तो जो भी प्रवक्ता वर्ग में, क्योंकि ये इंटर कॉलेज है, तो प्रवक्ता वर्ग में जो भी सीनियर होता है उसको विद्यालय का चार्ज मिल जाता है, तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद में जब चयन बोर्ड से पद निकलता है तो वो भी उसमें शामिल होता है, और इस प्रकार से व्यवस्था चलती रहती है। अच्छा अच्छा, और मैं सर जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें बताई कि आप 2000 से यहाँ पर कार्यरत हैं, तो मैं आपकी थोड़ा जो लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, जो आपका शुरुआती दौर रहा, मतलब जब आपका बचपन था और किस तरीके से आपने पढ़ाई की और क्या बैकग्राउंड रहा सर? देखिए हमारा बचपन जिला सीतापुर में, मैं थाना संधना है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मैं भी जैसे यहाँ पर इस विद्यालय में, हमारे विद्यालय में 20-22 किलोमीटर से बच्चा आता है पढ़ने के लिए, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हम लोग भी अपने गांव से 13 किलोमीटर भारत इंटर कॉलेज कोरोना है वहां पर पढ़ने जाते थे। हम लोग भी देहात के रहने वाले हैं, और वहां पर हम लोगों ने मेहनत की, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हमारा चयन बोर्ड से चयन हुआ है यहां पर। तो मैं भी उसी बैकग्राउंड का हूं जिस बैकग्राउंड के यहां के बच्चे, मतलब एकदम जैसे साधारण परिवार से कहीं ना कहीं आप? हाँ हाँ, हम भी बिल्कुल एकदम साधारण परिवार से ही। तो यहाँ तक की जो सर जर्नी रही, जैसे आपने बताया कि इस तरीके की चीजें रही, तो जब टीचिंग लाइन में सर आए, तो टीचिंग लाइन में ही आने का आपका शौक था, इसके अलावा भी और भी कोई और ड्रीम था कि किसी और लाइन में भी जाने का सोचा था आपने? नहीं देखिए, जब हमने पीजी करा उसके साथ में ही एलटी हो गया, मेरा ट्रेनिंग हो गई, तो जब ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद में फिर इसी क्षेत्र में आ गए। हाँ, फिर ज्यादा इधर उधर हमने कोशिश की नहीं, मतलब भटकाव बहुत हाँ भटकाव बहुत कम रहा। अच्छा हाँ। और मैं सर थोड़ा स्कूल के विषय में एक बात मैं जानना चाहूंगा। नॉर्मली सर एक चीज सुनने में आती है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है सर? देखिए ये इसमें पूरी तरीके से तो ये बात सच नहीं है। आज हमारे लखनऊ के कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एडेड विद्यालय हैं, जिसमें पढ़ाई प्राइवेट से अच्छी हो रही है। अब आप हमारे कॉलेज को ले लीजिए, तो ऐसा कोई महीना नहीं होता है
जिसमें 4-5 बार कम से कम हमारे विद्यार्थियों की जो क्वालिटी पूर्ण गतिविधियाँ न्यूज़पेपर में 4-4, 5-5 न्यूज़पेपर में न प्रकाशित होती हो। अच्छा। और आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर ऐसे तो प्रकाशित नहीं करते, हम किसी को चाय भी नहीं पिलाते। तो आपको जब आप क्वालिटी देंगे तभी आपकी बातें सभी लोग जानेंगे। आप लखनऊ में कहीं चले जाइए, बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज काकोरी का नाम पूछिए, आपको कितने जो है सम्मान से लोग इस विद्यालय का नाम बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। अरे सर, इससे तो मुझे याद आ गया, एक दिन शायद पहले भी हम लोग आए हुए थे तो मैं आपको पहचान नहीं पाया था। तो मैंने बोला हुआ था कि आपका नाम तो निशानगंज तक फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है, और बी एन लाल इंटर कॉलेज जो कि मतलब काफ़ी पूरा ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, एक तरीके का मिथ भी है। और सर एक चीज़ कहीं ना कहीं ये भी होती है कि सब स्टूडेंट पर भी सर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट सर पढ़ने वाला है तो प्राइवेट में पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़े पढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ही पढ़ने वाला नहीं तो वो कहीं पर भी रहकर शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ पाएगा। तो और सर थोड़ा ये भी मुझे जानना था कि जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब कैसा क्या रहता है, कि मतलब स्ट्रेंथ वगैरह कैसी है? देखो, जैसा कि भी आपने बताया कि स्टूडेंट पर सब कुछ नहीं होता है, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो उनको छात्रों को किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आप किसी भी समय आइए इंटरवल में, आप देखेंगे कि यहाँ का प्रधानाचार्य आपको गेट के ऊपर मिलेगा, कि कोई भी बच्चा हमारे वहाँ से निकल नहीं सकता, इंटरवल में भाग नहीं सकता। और जब इसी प्रकार से जब प्रत्येक कक्षा में जब शिक्षक जाएंगे और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बच्चों की समस्याएं समझेंगे, तो बच्चा फिर एजुकेशन से भागेगा नहीं, शिक्षा से भागेगा नहीं। जो बच्चा खेल वाला है उसको खेल के क्षेत्र में यहाँ पर जो है प्रगति मिल रही है, जो बच्चा कला के क्षेत्र में है वो कला के तमाम कंपटीशन, अभी हमारा बच्चा एक कला उत्सव में जो उत्तर प्रदेश में सेकंड पोजीशन लाया, सिद्धार्थ बच्चा। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे विभाग से प्रतियोगिता कराई गई थी। आज स्काउट की टीम स्काउट में गई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ शहीद स्मारक पर, हमारे तमाम बच्चे भाषण में और नाटिका में भाग ले रहे हैं। करीब 4-5 बार तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारी साइकिल रैली बच्चों की और तमाम प्रोग्राम हमारे बच्चे प्रस्तुत कर चुके हैं। खेल में हमारे बच्चे जाते हैं स्टेट लेवल के, अभी एक बच्चा हमारा उसू कंपटीशन में जो कि ओलंपिक से रिकग्नाइज्ड है, और उसी का उसू कंपटीशन में वो आगरा में फर्स्ट पोजीशन पाया। तो जब आपके पास हर क्षेत्र में बच्चों के लिए प्रतिभा निखारने के लिए आपके पास शिक्षक हैं और प्रधानाचार्य भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं तब बच्चा आपके पास रुकता है, अगर बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं तो भाग जाएगा फिर। हाँ, नहीं नहीं ये तो है, और बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम लोगों ने भी बच्चों से कुछ जब क्वेश्चन किए थे तो उसमें एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ के प्रधानाचार्य बहुत अच्छे हैं, वो अगर उनको पढ़ाना है तो डंडा लेके पढ़ाएंगे, और अगर मतलब पढ़ाएंगे जरूर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अभी बोल देंगे कि नहीं थोड़ी देर बाद आना, तो ये सब चीजें हैं। और सर मुझे थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल पूछना था कि शिक्षा, सर शिक्षा का क्या एक रोल होता है व्यक्ति के जीवन में? देखो भाई, अंग्रेजी में एक जो है परिभाषा है, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना? तो एनिमल, मैन इज एनिमल, मतलब एक पशु है, संस्कृत में भी कहा गया है ना? तो पशु को जो मैन बनाती है, मनुष्य बनाती है, वो शिक्षा ही बनाती है, समाज और शिक्षा। तो शिक्षा के बगैर तो मनुष्य नर पशु कहा गया है, तो शिक्षा तो सब कुछ है, शिक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करती है, शिक्षा से व्यक्ति में विनम्रता आती है, शिक्षा से वो संस्कारवान बनता है, शिक्षा से व्यवसायिक शिक्षा से उसको तमाम प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे कि वो अपने परिवार को चलाता है, शिक्षा से ही वो देश के तमाम विभिन्न प्रकार के पदों में सेना में अधिकारी, वैज्ञानिक और डॉक्टर, सब शिक्षा ही तो है, शिक्षा के बगैर हम क्या हैं? मतलब जो आपने जैसे बोला एक लाइन, तो उससे सर मुझे एक चीज ये समझ में आई कि मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। हाँ, इंसान को भाई तो जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो नग्न पैदा होता है ना,
फिर पहली शिक्षा उसको माता के गोद से मिलती है, फिर समाज से मिलती है, और हम लोग गुरुजी लोग शिक्षा उसको देते हैं और फिर एक संपूर्ण मानव बनाते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। और एक चीज सर मुझे पूछना है, जो यूथ है सर, जो युवा है, इंक्लूडेड मी, तो सर इनको सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए सफलता का शॉर्टकट मत अपनाइए। कभी कभार सफलता थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन जो लोग लगातार किसी भी क्षेत्र में लगातार अगर लगे रहते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सफलता देर से मिलती, पत्रकारिता है, एंकरिंग है, ये जितने भी कला के क्षेत्र हैं सब में सफलता थोड़ा देर से मिलती है, क्योंकि जब आदमी कार्य करते करते घिसता है उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जितने अनुभव प्राप्त होते जाते हैं उतने वो आगे बढ़ता जाता है। और जिसने शॉर्टकट अपना लिया तो फिर शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, जो समाज के लिए गलत है, परिवार के लिए गलत, गलत है, सबके लिए गलत है। और शॉर्टकट में सर ये भी रहता है, मैंने बड़े लोगों से सुना, बड़े बुजुर्गों से, कि शॉर्टकट हो सकता है आपको सफलता जल्दी मिल जाए लेकिन एक टेम्परेरी हो। टेम्परेरी देखिए, शॉर्टकट में सफलता जो मिलती है वो कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि वो किसी दूसरे हिसाब से मिलती है। हो सकता है कि आपने अनीति की हो, है ना, हो सकता है, 100% जरूरी नहीं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो एक बार में आईएएस की परीक्षा निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनकी बुद्धि सामान्य है और कठिन परिश्रम करके आईएएस निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे सर आपने बताई, और वैसे तो सर हम लोग आपसे और भी बहुत कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समय में गवाही नहीं दे रहा और आपको भी सर कहीं ना कहीं निकलना है, तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग समाप्त करते हैं। और सर से हम लोगों ने जो भी बात की बहुत बात करके अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या देखेंगे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि सर की जो भी बातें थी उनको अपने जीवन में उतारिए, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये जो बातें हैं सर की वो लाइफ में आपको आगे चल करके बहुत काम आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।